तो इस हफ्ते सिर्फ जियो हॉटस्टार के ही कांड नहीं हुए, बल्कि धर्मा प्रोडक्शंस भी कोविड वैक्सीन वालों को चला गया है। फिर किसी ने बोला सिंघम 3 में चुलबुली मचेगी, किसी ने बोला नहीं मचेगी, फिर किसी ने कहा मचेगी, और फिर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। जो भी होगा आगे बात करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद सनी पाजी, जिन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ने के बाद सोचा कि कुछ नया किया जाए, और जस्ट इन केस दिवाली भी आई रही है तो पंखा उखाड़ लेता हूं। जी हाँ, सनी पाजी की नई पिक्चर आ रही है जिसका नाम होगा जाट, और रिसेंटली इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें सनी पाजी के हाथ में एक बड़ा सा पंखा है। एंड व्हेन आई से बड़ा, तो इतने बड़े पंखे तो एयरपोर्टों पे ही देखे हैं मैंने। इसको डायरेक्ट करेंगे गोपीचंद मल्लिनेनी, जिन्होंने इससे पहले वीरसिम्हा रेड्डी जैसी मूवीज बनाई थी, तो मतलब पिक्चर से भी आप वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अभी रिलीज कब होगी इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 2025 या उसके सेकंड हाफ थर्ड हाफ के आसपास मान लेना। फिर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस को लेकर काफी सारी खबरें सुनने को मिल रही थी कि बंद हो रहा है, बिक रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि इतनी सारी फ्लॉप पिक्चर है, लेकिन फाइनली इन सारी खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया क्योंकि बिक तो चुका है। 50% स्टेक जो है इस पूरी कंपनी में उसको खरीद लिया है अदार पुनावाला ने, जो कि इससे पहले कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए जाने जाते थे, अब पिक्चरें बनाएंगे। तो अगर अब से आपको और मुझे धर्मा की पिक्चरें कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो समझ लेना कि सिनेफाइल्स तो हम 3 साल पहले ही बन गए थे। खैर, तो इसके पीछे का उल्लम गल्लम यह है कि पूनावाला जी की कंपनी इनको 1000 करोड़ रुपए देगी आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, और अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे और अपूर्व मेहता इसको पहले की तरह लीड करते रहेंगे सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। फिर किसी ने पिछले हफ्ते बोला था कि सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे की कोई भी अपीयरेंस नहीं होने वाली है, फिर कह रहा था कि अपीयरेंस होगी, फिर कह रहे नहीं होगी, फिर कह रहे होगी, क्योंकि भाई की जान के ऊपर थोड़ा सा कबूतर मंडरा रहे हैं फिलहाल। तो भाई ने कहा कि काम नहीं रुकना चाहिए, और एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो सिकंदर तो वो कर ही रहे थे हाई सिक्योरिटी के साथ में, लेकिन अब उन्होंने चुलबुल पांडे के लिए भी अपना कैमियो कंफर्म कर दिया, इनफैक्ट उसको शूट भी कर लिया और पब्लिक के लिए अनाउंस भी कर डाला। आई एम नॉट जोकिंग, इस पिक्चर में जितने भी सपोर्टिंग रोल या कैमियो या फिर एक्सटेंडेड कैमियो जो भी बोलना है बोल सकते हो, वो सारे जितने भी होने वाले हैं वो तो इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिए थे जो एक पिक्चर का ट्रेलर बनाया पिक्चर के रूप में उसी में, लेकिन अब इन्होंने जो एक सरप्राइज कैमियो होना था उसको भी बता दिया। ये तो वही बात हो गई कि बर्थडे पार्टी के लिए लोग घर में बैठे हुए लेकिन बाहर जाके बोल दिया अंदर है पार्टी, बताना नहीं। तो मतलब अब चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में अपियर होंगे लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में, और बहुत ही कम रोल होगा। आगे जाकर इनकी स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है वो आप खुद भी देख सकते हो, मतलब खुद तो बताएंगे जब रोहित शेट्टी, तब देख लेना। लेकिन अब ये कि शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट हो चुके हैं, कैसे वो मुझे भी नहीं पता। आई जस्ट होप पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस चुलबुल और सिंघम की आपस में फाइट होनी चाहिए ओवर करीना कपूर की तूने फेविकॉल कैसे लगा लिया। फिर वॉर 2 को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा होता है, कई बार तो वीडियोस ही लीक होके आ जाते हैं। इस बार ये पता चला है कि एक एक्शन पैक्ड एंट्री प्लान करी जा रही है दोनों ही एक्टर्स के लिए, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, लेकिन दोनों अलग अलग एंट्री लेंगे। एक शाओलिन टेम्पल में सोर्ड फाइट एक्शन सीक्वेंस होगी ऋतिक रोशन के साथ में, जूनियर एनटीआर की जो है वो पायरेट्स के साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाई जाएगी, एंड इट डज साउंड वेरी प्रॉमिसिंग। लेकिन जूनियर एनटीआर तो पायरेट्स के साथ में पहले भी लड़ अच्छा वो खुद ही थे, साला पिटूंगा किसी दिन में। खैर, मूवी रिलीज होगी 15 अगस्त 2025 में, लेकिन उससे पहले आ रही है राजा साहब, जिसका रिसेंटली मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया प्रभास दी के बर्थडे पर, एंड इट लुक्स प्रीटी फैसिनेटिंग। मतलब मैं पहले सोच रहा था कि मूवी एक काफी एवरेज कॉमेडी ह्यूमर को कैरी करेगी जो उसका वो लुंगी वाला पोस्टर आया था, लेकिन अब इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार दिस कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग। और इन लोगों ने इसमें नया कैच फ्रेज भी यूज किया है कि हॉरर इज द न्यू ह्यूमर, तो ये भी समझ में आ रहा है कि हॉरर कॉमेडी की तरफ इंक्लाइन करेगी, बट साथ में हम लोग कुछ भूत बंगला या फिर तुम्बाड़ या फिर ब्रह्मयुगम टाइप के चीजों को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राजा साहब, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है, रिलीज होगी 10 अप्रैल 2025 में, जिस टाइम पर पहले टॉक्सिक रिलीज होने वाली थी। स्पीकिंग ऑफ विच, तो यश ने कुछ दिनों पहले टॉक्सिक को लेकर कुछ बातें रिवील करना शुरू करी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, एंड ये चीज करना इतना आसान नहीं होता अगर स्क्रिप्ट की डिमांड ना हो, और इसी वजह से क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है तो सारे के सारे फीमेल वाले रोल्स जो है वो ऑर्गेनिक फील होते हैं, ना कि फोर्स्ड, बिकॉज मूवी कैरीज अ लॉट ऑफ ड्रामा, और उस पूरी कहानी और उस ड्रामा को पुल ऑफ करने के लिए उन्हें वो सारे रोल्स की जरूरत थी। प्लस इसके साथ में उन्होंने गीतू मोहनदास जो मूवी की डायरेक्टर है उनकी तारीफ करते हुए भी ये कहा कि पूरी की पूरी कहानी काफी डिफरेंट होने वाली है, ये एंटरटेनमेंट आर्ट स्टाइल इन सब चीजों का एक बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड होगी, और ऐसा कुछ हम लोगों ने स्क्रीन पे बहुत ही कम देखा है अभी तक। बट जो लोग इनके डायरेक्शन को लेकर स्केप्टिकल थे, तो यश ने उन सारी चीजों को भी क्लियर करते हुए कहा कि उनके पुराने कामों से उनको अभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भले ही
बहुत ही तगड़ा आर्ट सिनेमा बना लेती हो, लेकिन शी ऑल्सो नोज हाउ टू डिलीवर अ मासी एंटरटेनिंग एक्शन फ्लिक विद अ लॉट ऑफ आर्ट एंड अ लॉट ऑफ स्टाइल। और जितना उनके इंटरव्यू से समझ में आया है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मूवी आर्ट वाली चीजों को कैरी करेगी। मूवी का प्लॉट काफी स्ट्रांग होगा, स्क्रिप्ट काफी स्ट्रांग होगी, काफी इमोशनल होगी, और इसमें ड्रामा भी काफी देखने को मिलेगा बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व जिनको काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम भी है। लेकिन इसके साथ में ये लोग इसको मासी एंटरटेनिंग बनाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो यश की जो KGF वाली वाइब है उसके साथ में भी ये थोड़ी बहुत मैच कर जाए। जिससे मुझे याद आया कि यश ने इसके साथ साथ अपनी दूसरी मूवी का भी कंफर्मेशन दे दिया, विच इज गोइंग टू बी रामायण। उन्होंने बताया कि रामायण में वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उस मूवी को करने में भी थोड़ा सा समय है, मतलब उनका जो फर्स्ट पार्ट में रोल होगा वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट इज वेयर ही विल कम इन फुल फॉर्म, लेकिन हाँ उसके लिए भी वो एक्साइटेड है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक प्रॉपर टीम है और काफी चीज ऐसा लग रहा है कि फॉल इन टू प्लेस करती जा रही है। फिर पुष्पा 2 को लेकर अगर आप सोच रहे थे कि अभी तक कुछ देखने को क्यों नहीं मिला, तो बहुत ही जल्दी मिल सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी का जो ट्रेलर या टीजर जो इसका फर्स्ट मतलब पहला लुक तो काफी पहले हो गया, तो उसके बाद एक लुक और हो गया, मतलब इसका जो कुछ भी अब प्रमोशनल मटेरियल आएगा वो हमको मिड नवंबर के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लस एक चीज और भी इंटरेस्टिंग हुई, और वो ये है कि मूवी अब 6 दिसंबर को रिलीज ना होने के बजाय 5 दिसंबर को करी जा रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन छाव आ रही थी 6 तारीख को, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी ना प्रीपोन करी होगी, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला ना, तो फिर उसकी वजह से तो नहीं हो सकता। और किसको झुकना है किसको झुकाना है वो आपने पर्सनल मैटर में देखते रहना, लेकिन दरवाजा तोड़ने की व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि CID वापस आ रहा है। तो फाइनली पब्लिक की हैवी डिमांड के बाद सोनी वालों ने ये चीज अनाउंस कर दी कि ACP प्रद्युमन, अभिजीत और दया आर रिटर्निंग बैक अलोंग विद मेरा मतलब है सालू के। इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा प्रोमो भी दिखाया जिसको देख के दिल को थोड़ा सा झटका भी लगा, बट इफ यू थिंक अबाउट इट केयरफुली तो ये कम्प्लीटली CID स्टाइल का था। आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क अभी से खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार दया को अभिजीत ने गोली क्यों मारी। तो इसका जवाब हमको मिलना शुरू होगा क्रिसमस पे, क्योंकि ये क्रिसमस पे एयर होना भी स्टार्ट हो जाएगा, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज आई एम कंप्लीटली एक्साइटेड फॉर इट। कौन नहीं होगा, ये क्या बक रहे हो मत। लेकिन एक्साइटमेंट का एक कारण और है, और वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुझे पता है कि बहुत समय बाद ये लाइन बोल रहा हूं मैं, या फिर पहली बार ही बोल रहा हूँ, लेकिन है बिकॉज नवाजुद्दीन हैज बीन कास्ट इन द 3 हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स कॉमेडी जो भी है ये पूरा का पूरा, इसमें इनको कास्ट कर लिया गया है, और कोई ऐसे वैसे रोल में नहीं। इनकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, फिर इसके बाद थामा कर दिया, वही आयुष्मान और रश्मिका वाली, उसमें इनको विलन के रोल में कास्ट कर लिया गया है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज 2 फैंग्ड वैम्पायर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बट आई विल टेक इट। मूवी को डायरेक्ट करेंगे आदित्य सरपोदार, जिन्होंने इससे पहले मुझे डायरेक्ट करी थी, और अभी नवंबर के आसपास इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी ताकि अगले साल रिलीज हो जाए। फिर अजय देवगन अपने आप से लंडे की फील्डिंग जमा रहे हैं। बंदे के पास इतनी सारी पिक्चर है कि पता नहीं रिलीज कब करूं, क्योंकि उनकी अगली पिक्चर मतलब अभी सिंघम तो आई रही है, और उसी महीने में एक मूवी और भी ड्रॉप होगी जिसका नाम है नाम ही है द नेम इज नेम। ये इसको अनीस बाजमी के साथ मिलकर बना रहे हैं, जो कि 22 नवंबर को ड्रॉप होगी, एंड this is all we know about it right now. फिर इसके बाद तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे जो है, उनकी अगली सीरीज जो नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जा रही है जिसका नाम होगा रक्त ब्रह्मांड, इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। Amazon Prime पे इनकी गुलकंदा टेल्स आने वाली है, वो बनके तैयार है, लेकिन रक्त ब्रह्मांड पे काफी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, और अब सुनने में आया कि इसकी कहानी कैसी और क्या हो सकती है। ये बेसिकली जीए कुलकर्णी की मराठी शॉर्ट स्टोरी विदूषक से इंस्पायर होने वाली है। इसकी कहानी है कि 2 राजकुमार जो एक राजगद्दी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वो अपना अपना एक एडवाइजर चूज करते हैं, और उसमें से एक राजकुमार एक विदूषक जो कि राजा के कोर्ट का एक ऐसा बंदा होता है जो लोगों को हंसाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पिक कर लेता है एज हिज एडवाइजर। और फिर ये दोनों प्रिंस मिलकर के एक चैलेंज की शुरुआत करते हैं, जिसमें एक प्रिंस के क्रिएटेड चैलेंज को सामने वाला प्रिंस ओवरकम करेगा, और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों में से एक नहीं बच जाता। और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें जो 2 प्रिंस होंगे इनका रोल कौन प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले तो आदित्य रॉय कपूर, और दूसरे हमारे गुड्डू भैया अली फजल। स्पीकिंग ऑफ विच, मिर्जापुर की मूवी कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कारनामा आज ही हुआ है, और इसके लिए एक्सेल वालों ने एक छोटा सा प्रोमो भी रिलीज किया जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही सारे पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो गद्दी की बात करते हैं, जैसे हमारे कालीन भैया, फिर गुड्डू भैया, फिर मुन्ना भैया, और कितना क्लिक बेट करो, यूट्यूबर बन गए हो तुम लोग। तो मतलब इस प्रोमो में बस गद्दी की बात होती है, और ये बोला जाता है कि अभी तक आप मिर्जापुर को अपने घर की गद्दियों पर बैठ के देखते थे, लेकिन अब आपको थिएटर्स की गद्दियों पर बैठ के देखना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर आ रही है। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपाउंडर और मुन्ना भैया 2 मृत कैरेक्टर्स को भी लेके आया गया, जो कि इन लोगों ने मिर्जापुर के सीजन 3 में भी किया था,
लेकिन कंपाउंडर इज द न्यू एडिशन। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये लोग सच में वापस आ रहे हैं या फिर से क्लिक बेट करने की कोशिश करी जा रही है। Although, ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी की पूरी सीरीज इसके अगले सीजन की तरह नहीं बल्कि एक रिबूट की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि अब ये लोग मिर्जापुर को एक टीवी शो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का शो नहीं बल्कि एक मूवी फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच मींस कि दे माइट प्रोबेबली ब्रिंग दीज कैरेक्टर्स बैक अगर रिबूट ही करना चाहते हैं तो। मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या चल रहा है, बट आप लोग बताना कि आपको इस पूरी चीज के बारे में क्या लगता है। मतलब ओटीटी पे रहना चाहिए था, थिएटर्स में रहना चाहिए था, व्हाट डू यू गाइस थिंक? फिर शाहरुख खान की किंग मूवी, ऑलरेडी सबको पता है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो अगली पिक्चर जो किंग कर रहे हैं उसमें असासिन का रोल प्ले करेंगे, और मतलब कोई किसी से छुपा नहीं है कि ये मूवी बन रही है जिसको सुजय घोष बना रहे हैं, सुहाना खान भी होंगी इसमें। और पहले SRK का रोल थोड़ा छोटा था लेकिन फिर इसको बड़ा किया गया, एक एक्सटेंडेड अपीयरेंस ज्यादा रोल है इनका इसमें। तो ऐसा सुनने में आया था कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2 नवंबर को अभी कर दिया जाएगा बिकॉज SRK का बर्थडे है उस दिन, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज मूवी शायद अभी फिल्मिंग की बहुत इनिशियल स्टेजेस में होगी या मोस्ट प्रोबेबली फिल्म होना स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन ये चीज फिल्म मेकर्स को कब से रोकने लग गई? डॉन 3 मिर्जापुर 2026 में आएगा, मिर्जापुर भी अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, अभी नहीं आने वाला, सीजन 3 कितने टाइम बाद आया था, शुक्र मनाओ 26 में ही आ रहा है। खैर तो ये था इस हफ्ते का सारी न्यूज जिसको हमने फ्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे कैरम बोर्ड की गोटियां ना चलें तो प्लीज वीडियो को लाइक करो।